हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है स्कार। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो जॉगिंग कर रही होती है। उसका नाम जून होता है। वो जॉगिंग करते हुए अपनी आपबीती याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि उसे किसी ने बांध कर रखा था। एक और लड़की को वो उसकी आंखों के सामने काट रहा था। इसे देखकर वो बहुत डर गई थी। उस आदमी ने उसके चेहरे पर एक स्कार बना था जो उसे बार बार बीती हुई चीजों की याद दिलाता था। इसके बाद कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई देती है जहाँ पर एक गुमनाम सीरियल किलर के बारे में लिखा था जो लोगों को टॉर्चर करता था और उनकी जान ले लेता था। जोन अकेली लड़की थी जो उसके हाथों से जिंदा बच पाई थी। उसका भाई जेफ एक पुलिस ऑफिसर होता है। जेफ सिग्नल तोड़ने की वजह से सैंड्रा और ओलंपिया का पीछा करता है। ओलंपिया उसी की बेटी है, इसलिए जेफ उस पर कोई फाइन नहीं लगाता और उसे घर भेज देता है क्योंकि जोन वहां आने वाली है। वहां जोन सूजन के कब्र पर बैठी होती है जहां उसे फर्श पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। एक दिन सूजन और जोन एक घर में ताक झांक कर रहे होते हैं जहां बिशप नाम का एक आदमी उन्हें देखा था। वो दोनों बिना सोचे समझे ही बिशप के घर में चले जाते हैं। कहानी फिर वर्तमान में आती है। खाने के टेबल पर ओलंपिया को सैंड्रा का मैसेज आता है और वह हाई स्कूल पार्टी के लिए चले जाते हैं जहां पॉल उनसे मिलता है और वो सब अपने दोस्तों के साथ स्मोक करते हैं। इधर जोन पुरानी बातें फिर से याद करने लगती हैं। हम आगे देखते हैं कि सूजन और बिशप दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं जबकि जोन वहां रखे हुए चीजें को देख रही है। बिशप और सूजन एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी बिशप क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सूजन को बेहोश कर देता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। यहां हॉवर्ड और अप्रैल नाम के दो कपल जंगल में इंटीमेट होने जाते हैं, लेकिन इंटीमेट होने से पहले हॉवर्ड झील में नहाना चाहता है। वो झील में नहाने जाता, अगले दिन फिंग फिंग कॉम्पिटिशन होने वाला होता है, इसलिए सब लोग वहीं पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ अप्रैल और हॉवर्ड नहीं थे। जब कंपटीशन खत्म होता है तो सभी हाई स्कूल के बच्चे झील में नहाने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अप्रैल की बॉडी मिलती है जिस पर कोई कपड़े नहीं थे और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार भी बने हुए थे, जिसे देखकर जोन को पुरानी बातें फिर से याद आने लगती हैं। जोन को याद आता है कि उसे ऐसे ही बेड पर बांध कर रखा था और उसके बगल में खून से लथपथ सूजन तड़प रही थी। बिशप वहाँ एक और लाश लेकर आया था और वैक्यूम क्लीनर से उसके अंदर का सारा मांस खींच रहा था। रात में ओलंपिया पॉल के घर जाती है। पॉल और ओलंपिया अप्रैल के मर्डर की बात कर रहे हैं। ओलंपिया पहली बार उसके घर आई थी। दोनों लंबी बातें करने लगते हैं। पॉल बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है। बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन ओलंपिया पॉल को ऐसा करने से रोक देती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में पॉल के फादर होते हैं जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद ओलंपिया सैंड्रा से थोड़ी देर बात करती है। सैंड्रा के घर में उसका बॉयफ्रेंड आया है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ग्रेन होता है। ग्रेन बार बार अप्रैल और हॉवर्ड के बारे में बात कर रहा है, इसलिए सैंड्रा गुस्सा हो जाती है। ग्रैंड अंदर कमरे में चला जाता है। सैंड्रा बाहर डस्टबिन में कचरा डालने जाती है, लेकिन बाहर उसे लगता है कि आसपास कोई है। जब वो उसे देखने जाती है तो वहाँ एक जानवर होता है। वो अपने घर आती है और ग्रेन को बुलाती है, लेकिन ग्रेन उसकी आवाज नहीं सुनता। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि ग्रेन एक कमरे में पड़ा हुआ तड़प रहा होता है। तभी कोई पीछे से आकर सैंड्रा को पकड़ लेता है। जोन बाथरूम में अपने चेहरे के निशान देख रही थी। ओलंपिया सैंड्रा के घर जाती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो घर के अंदर जाती है तो बिस्तर पर उसे हॉवर्ड की लाश मिलती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है जहां पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। वहां पॉल भी आया था जो अपने घर पर वापस चला जाता है। जून और ओलंपिया सारे मौतों की बात कर रहे होते हैं। ओलंपिया बहुत डरी हुई थी, इसलिए जोन ओलंपिया से कहती है कि वो अपने रहते उसे कुछ भी नहीं होने देगी। असल में जोन के साथ जो टीनेज में बीता है वो नहीं चाहती कि ओलंपिया भी वो सब चीजें झेले। रात में जोन को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो उसे देखने के लिए धीरे धीरे आउट हाउस तक पहुंच जाती है, लेकिन आउट हाउस में उसे कोई नहीं मिलता। इधर सुबह पुलिस उनके घर आती है और ग्रेन की लाश को उतार कर वहां से ले जा रही होती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जोन से पूछताछ की जाती है। जोन पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद बिशप के घर जाती है। वहां से दरवाजा खुला होता है। जब वो अंदर आती है तो वहां कुछ लोगों को देखती है। वो सब बिशप के उन औजारों को देखने आए थे जिससे बिशप लोगों को मारता था, जिससे जोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जेफ मौके को समझते हुए जोन को अपने घर पे ले आता है। रात को जोन खाना बना रही होती है तभी उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसे फिर से अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। रात में जोन
बिशप के मेंशन की ओर आती है, जहां एक कमरे में बिशप ओलंपिया को टॉर्चर कर रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और जून उठ जाती है। ये सारी चीजें उसके सपने में चल रही थी। वो फोन जेफ के लिए होता है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन बाथरूम में किसी ने जेफ का गला काट कर उसका मर्डर कर दिया था। इसके बाद उसे किसी की आवाज आती है। जून चाकू लेकर बाहर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि ओलंपिया अपने कमरे में नहीं है। बाहर के गार्ड को भी किसी ने मार दिया होता है। उसे रास्ते में कोई दिखाई देता है। जून उसका पीछा करने लगती है। तभी पुलिस वहां आती है। जून के हाथों में चाकू होता है और वो खून से सनी होती है, इसलिए पुलिस उसे सस्पेक्ट समझकर वहां से ले जाती है। जबकि जून बार बार कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया है, बल्कि कातिल वो है जो भाग रहा था। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है और उसे अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में वो बार बार ओलंपिया को खोजने के लिए कह रही होती है, क्योंकि कोई ओलंपिया को टॉर्चर कर रहा होगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि कातिल वही है। जून को जेल में डाल दिया जाता है। पॉल वहां पर आता है। उसे भी वही लगता है कि ओलंपिया के गायब होने के पीछे जॉन ही है। जब पॉल जॉन से बातें करता है, तब उसे भरोसा हो जाता है कि जॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो जॉन को चुपके से उस ताले की चाबी दे देता है। जॉन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर से कंबल मांगती है। जब वो पुलिस वाला जॉन को कंबल देने आता है, तो जॉन उसे बेहोश करके वहां से भाग जाती है। जाते जाते वो ऑफिसर की गन भी ले जाती है। यहाँ से वो सीधे बिशप के मेंशन में जाती है। वो उसी रूम में जाती है जहाँ पर उसे कुछ साल पहले टॉर्चर किया गया था। जब वहाँ जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लाश पहले से पड़ी है। जोन अपनी यादों से बाहर आती है। वो पूरे घर में छानबीन करने लगती है। उसे बाहर एक आदमी भागते हुए दिखाई देता है। जोन ओलंपिया को बचाने उस आदमी का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह जाती है जहां बेसमेंट में उतरने का रास्ता बना होता है। जब वो नीचे उतरती है, तो वहां उसे पॉल, सैंड्रा और ओलंपिया दिखाई देते हैं। वो ओलंपिया को खोल ही रही होती है कि तभी पॉल उठता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद पॉल जोन को भी बांध देता है। जब जोन को होश आता है, तो वो पॉल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पॉल बताता है कि उसे बिशप की थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद थी। वो बिशप का बहुत रिस्पेक्ट करता था और वो भी देखना चाहता था कि कोई अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को कैसे मारता है। इसलिए उसने भी बिशप की तरह ही सबको फंसाने का खेल रचा था। सैंड्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था, लेकिन सैंड्रा की हालत भी बहुत खराब थी। पॉल ओलंपिया के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें सैंड्रा की मौत महंगी पड़ेगी। लेकिन ओलंपिया ऐसा कुछ नहीं कहती। वो सैंड्रा के पैरों पर बहुत सारे कट करता है, लेकिन पॉल मरता नहीं है। वो जब ओलंपिया को आजाद करवा रही होती है, तब पॉल उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी ओलंपिया पीछे से चेनसॉ लेकर आती है और पॉल के सिर के दो टुकड़े कर देती है। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं। सभी ओलंपिया को लगता है कि उसने किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन ये उसका इमेजिनेशन होता है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।